यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है। इस परीक्षा के लिए 113 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कुल 2,74,944 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। इसके साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं इस दौरान डीजीपी प्रशांत कुमार सिपाही भर्ती परीक्षा केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही गोमती नगर में परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया। डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि परीक्षा बहुत सुचारू रूप से चल रही है, सभी अधिकारी लगातार भ्रमण कर रहे हैं। सुबह से ही भ्रमणशील हैं। भर्ती बोर्ड ने जो व्यवस्थाएं की हैं उसको जमीन पे मूर्त करने की जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की है, वो व्यवस्था की जा रही है। लगातार सभी सीनियर ऑफिसर भ्रमणशील हैं। मैंने भी आज इस सेंटर को देखा है, अभी कुछ और परीक्षा केंद्रों पर मैं जाऊंगा। परीक्षा बहुत ही सुचारू रूप से चल रही है। परीक्षा पूरी तरह से निष्पक्ष और सुचितापूर्ण हो, इसके सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। मुझे पूरा विश्वास है इस भर्ती के बाद जो बच्चे इसमें शामिल होंगे वो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश तथा जहां भी उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी वो देश को, अपनी और प्रदेश को सेवाएं देंगे।